गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 11T के अंदर हम कुछ हॉटस्पॉट की सेटिंग्स के बारे में, मतलब कि आप अपने फ़ोन से कैसे दूसरे फ़ोन के अंदर डाटा शेयर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको वह स्टेप्स देखने हैं और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। अगर गाइज आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके चलिए गाइज, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर से भी गाइज आप सिस्टम तरीके से जो हॉटस्पॉट उसको इनेबल कर सकते हैं। अगर सेटिंग के अंदर से आपको नहीं जाना तो आप अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जाएँ, यानी जो कंट्रोल सेंटर उसके अंदर जाएँ। यहाँ पे जाने के बाद गाइज आप देखें तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि हॉटस्पॉट का। इसको चाहें तो आप डायरेक्ट करके इनेबल कर सकते हैं, बट इसको आप प्रेस एंड होल्ड रखें। प्रेस एंड होल्ड रखने के बाद गाइज ये आपको हॉटस्पॉट के अंदर ले जाता है, ठीक है, पोर्टेबल हॉटस्पॉट के अंदर आपको ये दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इसको आप यहाँ से डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं। गाइज इसको इनेबल करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइज इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई और नाम अगर आपको यहाँ पर देना है एक्सपायर्ड, कोई भी आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहें अपने हॉटस्पॉट का, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। पासवर्ड गाइज हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो गाइज पासवर्ड भी चलिए हम चेंज कर लेते हैं। ओके तो गाइज यहाँ से हमने पासवर्ड चेंज कर लिया, तो पासवर्ड यहाँ पे नाम का डाल देते हैं। सिक्योरिटी गाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रखनी है, अगर आप सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो नन कर दें, ठीक है। सेलेक्ट ए पी बैंड गाइज इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे अपना ए पी बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको गाइज यहाँ से हम ईजी तरीके से राइट क्लिक कर देते हैं, पहले हम पासवर्ड थोड़ा कंप्लीट कर लें। ओके तो गाइज ऐसे हमारा जो पर्सनल हॉटस्पॉट है गाइज वो यूज़ हो सकता है। इसका QR कोड भी है, शेयर QR कोड पे भी गाइस अगर आप QR कोड स्कैन कराएंगे किसी को तो अभी आपके फ़ोन से कोई कनेक्ट हो जाता है। वन टाइम डाटा लिमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, तो गाइस वन टाइम डाटा लिमिट अगर आप इनेबल रखेंगे, यहाँ पे साइज सेलेक्ट करेंगे कि कितनी MB का, तो गाइस 200 MB का हम रखते हैं। 200 MB के बाद ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वैन एग्जिट मतलब कि ऑफ हो जाएगा, एग्जिट मतलब एक्सिस्ट हो जाएगा, मतलब पूरा यूज़ हो जाएगा गाइस, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसको बोलेंगे अगर गाइज आप ओनली नोटिफाई तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसी जैसी गाइज 200 MB खत्म हो जाएगा आपको नोटिफाई किया जाएगा कि क्या आप और 200 MB इसके साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। ओके गाइज तो ये कुछ हॉटस्पॉट की सेटिंग्स थी। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।